मशहरी विधायक संजय जाटव के जिस तरह से आए दिन वीडियो जारी हो रहे हैं और उस वीडियो में जिस तरह से वो अधिकारी और कर्मचारी को धमका रहे हैं और इसके पीछे हेतु ये की है कि वो अपनी मंथली यहाँ पर वसूलना चाहते हैं और अधिकारी कर्मचारी जो नियमानुसार कार्रवाई करना चाहते हैं और इसी कार्रवाई को लेकर के आज यहाँ पर मैं इसकी पूरी चीज़ की निंदा करता हूँ। और जिस तरह से एक ऑडियो और वायरल हुआ उस ऑडियो में एक शराब ठेकेदार से जिस तरह से वो सेवा की कह रहे हैं कि पहले विधायक की सेवा करते थे मेरी भी सेवा करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों को धमकाया इन्होंने अपने जो भी DLOs हैं जो भी राज्य सरकार के उनसे मैं मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ FIR करके जाँच कराई जाए। मेरे पास मीडिया के माध्यम से दो ऑडियो क्लिप आई हैं जिसमें मेरी लैंग्वेज बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संजय तोमर के नाम की जो ऑडियो क्लिप है वो 18 मार्च 2024 की है और एक थानाधिकारी की क्लिप है वो 10 अप्रैल 2024 की है। मैं सबसे पहले थानाधिकारी जी के बारे में बता देता हूं। इनकी कार्यप्रणाली कार्यशैली इस तरह की है कि शायद मुझे लगता है कि इनको किसी मनोचिकित्सक से दिखाना जरूरी है। 10 अप्रैल की रात को मेरे पास फ़ोन आया था मड़ासिल से कि एक हमारे जो जितेंद्र कहर उनके चाचा जी को जबरदस्ती ये घर से पकड़ के लाए थे और अवैध दारू का केस बना रहे थे। मैंने इस संबंध में जो गांव वालों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि साहब इस तरह से थानाधिकारी आए हैं और मारपीट करके घर में पूरा घर का छानबीन की है, उसमें कुछ नहीं मिला और मेरे पास सबूत भी आया था उस टाइम का, तो मैंने थानाधिकारी को फ़ोन लगाया। थानाधिकारी जी को आप देख सकते हैं उनकी लैंग्वेज कैसी है कि जनप्रतिनिधि के साथ कैसे बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको इस टाइम जो आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है तो आपके पास क्या सामान मिला है। उन्होंने बिल्कुल सामान बताने से मना कर दिया कि कोई शराब मिली है कि नहीं मिली है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये शराब माफियों से मिले हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति के पास शराब मिलती तो उन्होंने केस क्यों नहीं बनाया, रात को क्यों छोड़ा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। दूसरा एक केस ये है कि मेरे ऑफिस के बगल से 8 मई को शाम को 7:30 बजे के आसपास एक विजन सिकर बार है जो चाय पानी और गुटके चाय पानी का काम करता है, गुटका बेचता है, उसको उन्होंने पकड़ा और 2200 रुपये का फर्जी केस बना के सट्टे का केस बना करके उसको गिरफ्तार किया। जबकि 8 को 7:30 बजे पकड़ा, दिखाया 9 तारीख को और छोड़ा है सुबह की 10 बजे 10 तारीख को सुबह 6 बजे। उस आदमी का अगर मैं आपको बताऊंगा वीडियो, उसको इस तरह से पीटा जानवरों की तरह कि उसकी पूरी पीठ हाथ पैर जांग और अंडर गारमेंट्स में उस व्यक्ति के लैट्रिन पेशाब निकल गए, पूरी नील पड़ी हुई है, जिसका हमने जिला अस्पताल है धौलपुर में इलाज भी कराया था। 2 इनका एक प्रकरण है जिसके खिलाफ मैं लड़ा, मैं निर्दोष के साथ हूँ। अगर ये अन्याय करेंगे तो अन्याय के खिलाफ संजय जाटव खड़ा रहेगा। अगर ऐसी बात थी तो आप इनके उच्च अधिकारी हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने एक पुलिस चालक को उन्होंने लाइन भी भेज दिया इस प्रकरण के अंदर और उनको संज्ञान में सारा मामला है। दूसरा प्रकरण है संजय तोमर का, जो कि वन भूमि ना होते हुए भी उन्होंने प्लांटेशन कराए, ट्रेंच काई पोखर तालाब चार दीवारी बनाई, जहाँ वन भूमि है ही नहीं वहाँ उन्होंने काम किया। इसकी हमने जांच करवाई थी, जांच में सत्यता पाई गई, उन्होंने DFO साहब और CCF साहब ने मौका मुआयना किया, मौके पे वहाँ पर कोई काम नहीं मिला और काम मिला तो अधूरा मिला और उसका उन्होंने पूरा पेमेंट उठाया। इस संबंध में CCF साहब ने 8 मई 2024 को संजय तोमर को सस्पेंड करते हुए जिला मुख्यालय भरतपुर किया है उन्होंने। ये दोनों चीज़ें हैं और ये बहुत पुरानी ऑडियो हैं जो कि अब आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन पर एक्शन होने के बाद जो ऑडियो आई हैं तो किस तरह से आई हैं। मैं एक विधायक होने के नाते जनता के साथ मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं निर्दोष के साथ हूं और निर्दोष के साथ रहूंगा और सत्य की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा।